الحمد لله فايت سات. जी मोहम्मद रेहान काशिफ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बेटा, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, आपको नजर आ रही है सबको? जी सर, ये एक डायरेक्टेड राइटिंग है, या हम इसको मज़मून नवेसी कहते हैं। तो इसमें है, इसका जो टॉपिक या उनवान है वो है इम्तहान और जहनी दबाव। जहनी दबाव, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं इम्तहानात के दौरान, तो उस वक्त जब आप इम्तहानात की तैयारी कर रहे होते हैं, या इम्तहानात के दरमियान, या इम्तहानात के जब आप प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो किस किस्म का जहनी दबाव आपके जहन पर होता है, यानी मेंटल प्रेशर क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने मजमून नवेसी के मुकाबले का ये इश्तहार देखा है और हिस्सा लेने का फैसला किया है। आपका जवाब 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अपने मजमून में दर्ज ज़ेल बातें शामिल करें। असल में आपका टॉपिक ये है इम्तहान और जहनी दबाव, और बाकी आपके पास जो अहम तीन चीज़ें हैं वो हैं तालीमी निज़ाम में इम्तहान की अहमियत, इम्तहानात के दौरान जहनी दबाव में इजाफा, और इम्तहान के ज़माने में जहन को आराम देने के तरीके। असल में ये तीन अहम नकात होते हैं जिन पर आपने ये मजमून लिखना होता है, 150 अल्फाज का या 150 अल्फाज का, तीन पैराग्राफ्स में। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बड़ा एक टेक्निकल सा, और मुश्किल भी और आसान भी है ये। और इसमें पहला जो नुक्ता है, यानी पहला जो पॉइंट है, तालीमी निज़ाम में इम्तहान की अहमियत क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी तालीमी निज़ाम में इम्तहानात की अहमियत बहुत होती है। कोई भी तालीमी निज़ाम जो है वो इम्तहानात के बगैर नहीं चल सकता। जब तक किसी भी तालीमी निज़ाम में इम्तहान नहीं लिया जाता, बच्चों को नहीं परखा जाता या जांचा जाता उनकी अहलियत को, उनकी सलाहियत को, तब तक वो तालीमी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, यानी एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसी तरह आप अगर देखें तो बहुत से ममालिक में जो तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, सब में इम्तहानात होते हैं। कोई भी ऐसा तालीमी निज़ाम नहीं है दुनिया में कहीं भी जिसमें इम्तहानात ना लिए जाते हों, बच्चों को इम्तहानात के प्रोसेस में ना डाला जाता हो। इसलिए किसी भी तालीमी निज़ाम में इम्तहान की बहुत अहमियत होती है, और ये बच्चों को एक साल के दौरान 2 या 3 दफ़ा इम्तहान देकर एक परखने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि उनका इम्तहान लिया जाए।
जो कुछ पढ़ाया होता है, जो जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया होता है, उसको देखा जाता है कि क्या बच्चे को समझ आ गई और किस हद तक समझ आई, और क्या उसने उन को या उन टॉपिक्स को या उस मजमून में कमांड हासिल कर ली है, कंट्रोल हासिल कर ली है। तो इसी तरह इम्तहानात के दौरान ये चीज़ें, ये सलाहियतें, ये काबिलियतें चेक की जाती हैं। तो ये इसलिए किसी भी तालीमी निज़ाम में इम्तहान की बहुत अहमियत होती है, और इसी के ज़रिए बच्चों को आगे मुख्तलिफ ग्रेड्स में भेजा जाता है ताकि वो आगे से आगे बढ़ते जाएं। अगर इम्तहान ना हो तो किसी भी तालीमी निज़ाम में तो आप बच्चों बच्चों की तरक्की ही नहीं हो सकेगी। बच्चों का एक साल के बाद दूसरे साल में जाना मुमकिन ही नहीं होगा। तो इम्तहान एक वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जो बच्चों को आगे भी लेकर जाते हैं, और उनको उस को जांचने का एक बेहतरीन तरीका भी इम्तहान के ज़रिए ही होता है। तो ये आप पहले पॉइंट पर, बहुत सारी चीज़ें जो आपके अपने जहन में भी आ रही होंगी वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह इम्तहान के दौरान जहनी दबाव में इजाफा, कि ये एक मतलब एक कुदरती सी बात है, फितरी बात है कि कोई भी इम्तहान हो, छोटा दे रहा हो या बड़ा दे रहा हो, तो जहनी दबाव मेंटल स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। और उसमें क्यों होता है, ये एक हटकर एक ऐसी चीज़ है, एक इम्तहान एक ऐसा तरीकाकार है जो एक आम लेसन में और इम्तहान के दिनों में डिफरेंस या फ़र्क आ जाता है। अगर आप देखें तो, अगर आप जैसे अभी आप लेसन ले रहे हैं तो अब आपको कोई कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मेंटल दबाव नहीं है, मेंटल स्ट्रेस नहीं है, जहनी दबाव नहीं है, आप आराम से बैठ के लेसन आप अपना ले रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप यही, अगर आपका ये लेसन होता है, असेसमेंट होता है, या कोई किसी को आपका फर्स्ट टर्म या फाइनल टर्म एग्जाम हो रहा होता, तो आपके जहन में दबाव होता है थोड़ा सा। कुछ बच्चे ज़्यादा लेते हैं, कुछ थोड़ा लेते हैं, लेकिन होता ज़रूर, कुछ बिल्कुल भी नहीं लेते, अच्छी आदत है, लेकिन बहरहाल जहनी दबाव का वो शिकार बच्चे होते हैं। और वो क्यों होता है कि जी हमने इम्तहान देने हैं, हमने इम्तहान देना है, सवाल पता नहीं कैसे आएंगे, और ये बंदा बार बार या कोई भी तालिबे इस बात पर गौर करता है कि मेरी पता नहीं कितनी तैयारी है, जो मैंने किया क्या, जो मैंने पढ़ा है, मैंने जो रिवाइज किया वो आएगा कि नहीं आएगा, और कितना आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, उसकी वजह से इंसान जहनी दबाव में चला जाता है। तो ये एक कुदरती और फितरी चीज़ है कि इम्तहान के दौरान जहनी दबाव में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपको ये भी फिक्र होती है कि आपने अपना अच्छा करना है, आपने अपना बेस्ट प्रोड्यूस करना है, आपने इस हद तक मार्क्स देने हैं कि आपके अच्छे ग्रेड्स आएँ। ये आपके जहन में भी एक बहुत बड़ा एक मतलब एक फैक्टर होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतनी परसेंटेज आएगी, इतने ग्रेड्स आएंगे तो मुझे फ़ायदा होगा या अच्छा होगा, अदरवाइज़ मुझे मुश्किल होगी। इन चीज़ों के हवाले से आप पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जहन में आपके आती हैं, और आपके दिमाग पे, आपके जहनों पे थोड़ा सा स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। क्योंकि जो इम्तहान आते हैं वो एक नॉर्मल एक्टिविटी तो है, लेकिन स्टूडेंट्स या कोई भी इम्तहान देने वाला इसको एज ए नॉर्मल एक्टिविटी नहीं लेता, बल्कि इसको सर पे भी सवार कर लेता है। समटाइम कुछ बच्चे या तालब इलम ऐसे होते हैं कि वो इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, इम्तहान से घबराते हैं, और इसको एक ऐसा अमल समझते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब ये तीसरा जो पॉइंट हुआ है, इम्तहान के ज़माने में जहन को आराम देने के तरीके, इसमें हमने ये हल बताने होते हैं कि जी इम्तहान तो ठीक है, आते ही आते हैं, ज़िंदगी है ही इम्तहान, और हर जो इंसान है वो किसी न किसी इम्तहान से गुजर रहा होता है। इसी तरह जो स्कूल या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो इम्तहान होते हैं वो बच्चों को देने ही पड़ते हैं। तो इसमें जहन को आराम देने के तरीके ये हैं कि आप इसको, पहली तो ये बात है कि नफसियाती तौर पर इम्तहान से बहुत ज़्यादा घबराना छोड़ दें, डरना छोड़ दें कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी एक एक तालीमी एक ये है, प्रोसेस है, ये भी एक ऐसा ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसमें आपने वो कुछ अपने तौर पर साबित करना होता है जो आपने अपने साथ साथ सीखा होता है, वरना ये कोई मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये कोई आपकी याददाश्त का टेस्ट नहीं होता, बल्कि इसको जितने बच्चे भी अपने अपने मुख्तलिफ ग्रेड्स में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में या अपने किताबों में जो वो पढ़ते हैं, अगर वो उसको बजाय मेमोराइज करने के वो उसको समझें, सिर्फ समझें और अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या, तो कभी भी उनके जहन पे इम्तहान के दौरान कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। तो ये एक इम्तहान में जहन को आराम देने का ये भी तरीका है कि आप साथ साथ तैयारी करते जाएँ। जो बच्चे साथ साथ तैयारी करते हैं वो एग्जामिनेशन डे पे बड़े बेचारे पूल की तरह खेले होते हैं,
उनके चेहरों पर कोई तनाव नहीं होता, कोई उनके चेहरों पे ऐसा कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने तैयारी की हुई है और उनको सब कुछ आता है। जहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा वो उसका जवाब लिख सकेंगे। तो इस लिहाज से जो बच्चे शुरू दिन से साथ साथ तैयारी करते जाते हैं, उनके इम्तहानात के ज़माने में उनके जहनों को कोई जहनों पर कोई प्रेशर या कोई ऐसा दबाव नहीं आता। एक तो ये तरीका है बचने का। ज़ाहरी बात है, दबाव या टेंशन उसी को होती है जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की होती है। तो फिर वो बहुत सारा सिलेबस जब इकट्ठा हो जाता है और एक दिन या 2 दिन या एक रात में जब वो करने बैठते हैं तो फिर उनको समझ भी नहीं आ रही होती, और वो उसको उसका अहाता या कंट्रोल भी उसको नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कम करेंगे। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि इम्तहानात के दौरान आप जितना आप पुरसकून रहेंगे, जितने आप रिलैक्स रहेंगे, जितने आप अपने जहन को आज़ाद और फ्री रखेंगे, यानी उसको स्ट्रेस में नहीं आने देंगे, उतनी ही आप अच्छी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जब भी इंसान किसी दबाव में जाता है तो वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकता, वो अपनी बेस्ट एनर्जीज को यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए अपने जहन को हमेशा आराम देने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें, पुरअमन रखें, पुरसकून रखें, जहनी तौर पर बिल्कुल अपने आप को ऐसा रखें कि आपके जहन पर कोई दबाव ना हो। उसमें यही है कि अगर आप यही सोच को अपने जहन में बिठाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में कभी जहन पर कभी कोई दबाव नहीं आएगा। और जब आप इस इम्तहानात को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप इससे डरना शुरू हो जाते हैं, खौफ खाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो आपको थोड़ा बहुत याद होता है, जो थोड़ा बहुत आपको आता है, वो भी आपके जहन से निकल जाता है। आप देख लें कि जब लोग घबरा कर कोई काम करते हैं या अंडर स्ट्रेस या परेशानी में करते हैं, उनसे वो काम सही नहीं होता। जब इंसान रिलैक्स होता है, पुरसकून होता है, तो वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर सकता है। तो इसलिए अपने जहन को बहुत पुरसकून रखें इम्तहानात के दौरान रखना चाहिए। यानी हम ये तीसरे पॉइंट के अंडर ये बातें लिख सकते हैं, और उसमें कि इसकी भी एक तरबियत है, ट्रेनिंग है कि कैसे वो ऐसे ही है कि एक तो पहला यही तालिब हर तालिब इलम ये कोशिश करे कि वो आज से ही हर जो सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, मजमून पढ़ेगा, उसकी तैयारी वो साथ साथ करेगा। और उसके बाद जो इम्तहानात के जब देने आएंगे तो फिर उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और उसके लिए अपने सिलेबस और अपने तमाम मजामीन के कोर्सेज को मुकम्मल करना बहुत आसान होगा। अब आप देखें कि जो एथलीट्स होते हैं वो पूरा साल जब भी वो किसी मुकाबले के लिए जाते हैं, किसी ओलंपिक्स के लिए या किसी इंटरनेशनल रेस के लिए जब जाते हैं, 100 मीटर रेस दुनिया में सबसे मशहूर रेस है और इसकी बड़ी अहमियत है, वो दुनिया का तेज तरीन बंदा कहलाता है जो इसमें अव्वल आता है। तो ये तो नहीं है कि वो घर बैठा रहता है सारा साल और जिस दिन रेस आती है तो वो भाग के जीत जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि वो सारा साल उसकी मशक करता है, सारा साल वो भागता है, सारा साल वो दौड़ दौड़ कर अपने स्टेमिना को बेहतरीन करता है, अपने वजन को कंट्रोल करता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी टाइमिंग्स अपने उसको बढ़ाता है कि मैं 100 मीटर कितने सेकेंड्स या कितने मिनट में करूँगा। तो वो उसको हर वक्त उसके जहन में तैयारी होती है, वो बड़े आराम से तैयारी कर रहा होता है और वो पूरा साल चुका तैयारी कर रहा होता है और उस तैयारी के तरबियत के वो इस सारे मरहले से गुजर रहा होता है। तो जिस दिन उसकी दौड़ होती है तो वो फिर आराम से जीत जाता है। यही एक आदमी जो घर बैठा हो, सोया हो, उसको को चलो भागो तुम्हारी 100 मीटर रेस है, तो वो कभी भी 100 छोड़े वो 10 मीटर नहीं भाग सकेगा। तो इसीलिए इम्तहानात भी एक ऐसी ही चीज़ है कि जिसकी तैयारी सारा साल रहनी चाहिए। और उसके बाद जब आप इम्तहानात में जाएं तो आपके इम्तहानात पर बहुत अच्छे होंगे अगर आप इसकी तैयारी साथ साथ हर मजमून की करते जाएंगे। और जैसे कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें हमारी हमारा दीन भी हमें बहुत मजबूती देता है, बहुत ताकत देता है, तवानाई देता है। जो जो बच्चे दीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो दीन को फॉलो कर रहे होते हैं, दीन को समझ रहे होते हैं, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन पर बिल्कुल भी ज़हनी दबाव नहीं आता। और वो उसमें सबसे जो बड़ी बात है नमाज, जो बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में वैसे ही बहार होती है, बरकत होती है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाते हैं और उनके कोई भी जो इम्तहान होते हैं वो उनमें अल्लाह उनको कामयाबी देता है। और नमाज़ पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले बच्चों के जहन खुल जाते हैं और उनको जो चीज़ भी पढ़ते हैं उनको याद हो जाती है और उनको समझ आनी शुरू हो जाती है, और वो उसकी ख़ास एक बरकत की वजह से उन्हें कोई मज़मून भी मुश्किल नहीं लगता, कोई टॉपिक भी उन्हें मुश्किल नहीं लगता, बल्कि सब आसान लगते हैं। तो ये भी एक तरीका है। उसके अलावा जो है कि आप इम्तहानात में अपने जहन को ये भी एक रिलैक्स रखें। कुछ बच्चे ये करते हैं कि जिस दिन इम्तहान होता है उस रात सारी रात जागते रहेंगे या आधी रात तक जागते रहेंगे,
या उन 24 घंटों में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको जो थोड़ा बहुत आता है वो भी जहन से निकल जाता है। तो ये भी है कि आप अपनी नींद जरूर पूरी करें, उसमें ये नहीं है कि आप जो आपका है नींद का जो आपका स्ट्रक्चर है जो जिस पे आप जितने घंटे आप सोते हैं वो आप उसको छोड़ दें, सिर्फ 2-4 घंटे सोकर तो आप ध्यानात की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपके जाहिरी तौर पे और बल्कि मुमकिन तौर पे आपके जहन पे बहुत दबाव आ जाता है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई होती और आप थक जाते हैं, जहन भी थक जाता है, तो जो चीज़ें आपके जहन में होती हैं वो मिक्सअप होती हैं, ऐसे आपस में मिल जाती हैं और आपको आपकी जितनी भी तैयारी होती है वो 0 पे चली जाती है। इसलिए अपनी नींद बेहतरीन नींद पूरी करें और उसी के मुताबिक जो आपका टाइम टेबल जो आपने बनाया हुआ है उसके मुताबिक आप तैयारी करें, तो फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं पेश आएगी इम्तहान देने में। तो ये इन तीनों पॉइंट्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बता दिया कि आप इन तीन नुकात में, तीन पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं। आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं अगर आपके अपने जहन में कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आपने अपनी रेंज में रहते हुए लिमिटेड 150 वर्ड्स में आपने ये एक मज़मून लिखना है और इसके तीन पैराग्राफ्स भी बनाने हैं और आपने अपनी नोटबुक पे लिख कर मुझे चेक करवाना है। और उसके अलावा जो है जो बच्चे आज क्लास में हैं वो डेफिनेटली ये जो है मज़मून वो लिखेंगे आज। वैसे आपको इम्तहान, जब मैं हमेशा एक्सटर्नल एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो उसमें आपको 15 से 20 मिनट मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिए टाइमिंग के हिसाब से, तो इसमें 35 मिनट्स में तो आपका ये आराम से मुकम्मल हो सकता है, लेकिन अगर सपोज नहीं भी होता तो आप उसको नेक्स्ट सेशन तक ज़रूर उस काम को मुकम्मल करके चेक करवाया करें ताकि आपकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस और आपके मार्क्स लग जाएं। तो इस काम के हवाले से भी मैंने आपको इन डिटेल तफसील से बता दी है कि आपने इसको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, सारा आपको हर दफ़ा मैं आपको जब भी मजमून करते हैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ हर लेसन में कि ये 150 अल्फाज का होता है और इसमें तीन पैराग्राफ्स होते हैं और ये लिखना चाहिए। तो अब ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर बता सकता हूँ, लेकिन आपने काम ज़रूर करना है। नेक्स्ट लेसन में आपका हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए और ये उन्हीं बच्चों की याद रखें कि मैं अटेंडेंस लगाऊंगा और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स देखूंगा जो काम को साथ साथ करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप फ़ौरन मुझे काम करके दिखाएं, बल्कि मैं आपको मतलब इनफ टाइम देता हूँ कि आप उसको आधा कर लें, पूरा कर लें, 2 लेसन्स में कर लें, 1 लेसन में कर लें, लेकिन करें जरूर। और जो बच्चे नहीं करेंगे तो ये याद रखें कि वो उनकी जो फाइनल टर्म की तरफ हम जा रहे हैं उनका मैं फाइनल टर्म पेपर नहीं चेक करूँगा। बच्चे अगर आपके क्लास में खामोशी से बैठ भी जाते हैं, क्लास अटेंड भी कर लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं, ना वो फीडबैक देते हैं, ना वो क्वेश्चन मुकम्मल करके देते हैं, तो वो दे आर सपोज टू बी एज एबसेंट, वो एबसेंट तसव्वुर होंगे, याद रखें। इसलिए मेक इट श्योर कि आप जब कभी भी क्लास में आते हैं तो पूरी तरह से पढ़ा करें, क्लास में आके पार्टिसिपेट किया करें, शिरकत किया करें, सवाल जवाब किया करें, और फिर सबसे बड़ी बात जो टीचर आपको सवाल देते हैं मुकम्मल करने के लिए वो आप ज़रूर साथ साथ मुकम्मल किया करें। यही एक इम्तहानात की बेहतरीन तैयारी का तरीका है जिससे आपके जहन पर दबाव नहीं आएगा फाइनल डे के दिन। अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो इंशाल्लाह फाइनल डे पे आपके जहन पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा, यही मजमून भी यही हमारा आज का। तो इसलिए आप सबको मैं बड़ा क्लियरली, बड़ी वजाहत से बता रहा हूँ कि आपका फाइनल पेपर उन्हीं बच्चों का चेक होगा जो अब से, आज से लेकर फाइनल डे इम्तहान की तैयारी तक या उनके एग्जामिनेशन तक जितने भी हम काम करेंगे वो उसको मुकम्मल करके विद इन टाइम लिमिट दिखाया करेंगे और क्लास में शिरकत भी किया करेंगे। तो आपको अगर इसमें अभी फिर कुछ अभी भी कुछ मुश्किल लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, क्या मैं कल का काम दिखा सकता हूँ? जी जी दिखा सकते हैं। ये आपकी जुमलों की साख में तब्दीली है, ठीक है। सेंटेंस मैं भी चेक करवा दूं कल का। जी बेटा, 1 मिनट।
जी बेटा आप चेक करो। आपको देखिए जी लेकिन आपका आखिरी ये जुमला मुकम्मल नहीं है, देखिए इम्तहान में नतीजा ये आखिरी जरा चेक करें। आखिरी वाला भी मैं मुकम्मल करता हूँ। ठीक है ये सर हो गया। ठीक है।
ठीक है बेटा, क्लास का ख़त्म हो गया। आप जितने भी बच्चे आज क्लास में हैं मौजूद, 15 बच्चे, इनके अटेंडेंस तभी कंसिडर होगी जब ये अगले लेसन में मुझे ये मजमून मुकम्मल करके दिखाएंगे और चेक करवाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए ओके अल्लाह सर, फिर अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर, हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।